थैंक यू वेरी मच जी. सबसे पहले एक हमारा जो अवार्ड है दैट द फर्स्ट अवार्ड जो कि इन दोनों जो चार अवार्ड्स हैं पांच अवार्ड्स हैं इनसे डिफरेंट है, तो वो उनके लिए जो हम सबसे पहले अभी हम प्रेसिडेंट एसोसिएशन की अपन बात कर रहे थे अलुमनाई एसोसिएशन की, तो जो सबसे ज्यादा फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं ऑफ अलुमनाई एसोसिएशन तो मैं थे जो आप उनके जो थे उनके साथ उनको आपकी भरपूर तालियों में आपको दावत देता हूं जनाब हिशाम लोधी साहब. सर प्लीज तशरीफ लाइए, आपकी भरपूर तालियां जी. थैंक यू वेरी मच लोधी. आज बेटा बता नहीं सकता कि इस वक्त क्या हालात है मेरे. मैं वो बंदा हूँ जिसने स्पीयर जब स्टार्ट होने लगा था ना तो हम लोग पंजाब कॉलेज में थे और मुझे सर ने कहा कि यार हमने जाना है उधर. हम लोग जाते थे काम करते थे, पंफलेट तक बांटे हैं मैंने अपने कॉलेज के लिए और आज जब मैं कॉलेज को देखता हूँ ना मैं हैरान ही रह जाता हूँ कि यार ये कमाल ही हो गई है. बस और मैं क्या बात. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. जब 2001 में 9/11 हुआ उन्होंने कहा कि जी मुस्लिम्स कांट फ्लाई, तो चेयरमैन साहब की बात ये थी कि जी हम यहाँ पर जो एविएशन स्टडीज हैं उसका हम यहाँ पे आगाज करेंगे, तो हमारे एक यहाँ पर अलुमनाई आए जिन्होंने यहाँ पे पढ़े भी और उसके बाद जिस तरह से वो डिपार्टमेंट को लेकर चले हैं और डिपार्टमेंट जहाँ तक पहुँचा है तो वो सब उन्हीं की सर्विसेज की बदौलत है. आपकी भरपूर तालियों में जी सुपीरियर एविएशन कैटलिस्ट का अवार्ड जाता है जनाब अली बरकात साहब को. मैंने मतलब आई एम ब्लेस्ड इन दिस रिगार्ड, लेकिन आज जो ये अवार्ड था और ये जो फीलिंग है यकीन माने बाय ओथ कह रहा हूं कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं. और जो इमोशनली इस वक्त जितने लोग इस इवेंट में और जितने लोग इस गैदरिंग में बैठे हुए हैं मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग इतने चार्ज्ड कभी भी होंगे किसी भी इवेंट पे, जो कि मतलब हम इवेंट्स अटेंड करते रहते हैं सारा कुछ, बट इमोशनली आप जिस तरह रिकनेक्ट कर रहे हैं और जिस तरह रिकनेक्ट हम देख रहे हैं अपने अदारे को इस तरह ब्लॉसम करते हुए, रियली ब्लेस्ड टू बी सुपीरियर. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच अली बरकात. एंड नाउ इज द टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर द अवार्ड्स. अब ये जो अवार्ड्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे पांच अवार्ड्स हैं, पांच अवार्ड्स के लिए सबसे पहले नॉमिनीज आएंगे, नॉमिनीज के बाद जो एक जो भी आपके जो खुशकिस्मत होंगे उनका नाम लूंगा वो यहाँ पर आकर खड़े होंगे जो यहाँ पर, और मैं यहाँ पे उनकी साइटेशन पढ़ूंगा और उसके बाद मैं कहूँगा कि जी आप यहाँ पे इस साइड से गुजरेंगे और यहाँ पर आप अवार्ड ले लेंगे. ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द सर्विस टू सोसाइटी अवार्ड एंड let's have the nominees ji for the service to society award. The first we have Mr. Hamad Akhtar Al Khidmat Foundation. He is the director programs. Taaliyan bajate rahiyega ji please. Then we have got Mr. Hassan Afzal Allah Wala Trust, country manager of programs and communications. Then we have Mohammad Bilal Shaus Tahiri Foundation. He is the CEO. And then we have Rida Ashraf, communication and marketing specialist, sustainable marketing UNDP. And then we have got Sufyan Ahmed Al Khidmat Foundation, managing director. So किसको जाना चाहिए जी अवार्ड? आपके क्या चीज आती है, क्या जहन में आता है, कौन है जी? बिल्कुल ठीक कहा जी, हमाद अख्तर. हमाद
हमाद आपने इधर खड़े हो जाना है, यहाँ पे खड़े हो जाइए, मैं सिर्फ आपकी साइटेशन पढ़ दूँ। हमाद अख्तर डायरेक्टर प्रोग्राम्स अल खिदमत फाउंडेशन MBA 2008-2010 एंड MPhil बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2015-17 फ्रॉम सुपीरियर यूनिवर्सिटी। हमाद अख्तर द डायरेक्टर ऑफ प्रोग्राम्स एट अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान इज द बीकन ऑफ सर्विस एंड लीडरशिप इन द NGO सेक्टर विद ओवर 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हमाद ओवरसीज डाइवर्स इनिशिएटिव फ्रॉम डिजास्टर मैनेजमेंट टू एजुकेशन रिफ्लेक्टिंग हिज मल्टीफेसेटेड अप्रोच टू सोशल चेंज ड्यूरिंग द COVID-19 pandemic. Hamad's strategic leadership shone brightly as the project in charge of the service to society initiative. He mobilized resources to deliver relief worth rupees 20 billion aiding countless individuals and families beyond Pakistan. Hamad leads the Palestinian relief project providing vital humanitarian aid to Palestinian communities. His global efforts showcase his commitment to compassion and solidarity aligned with sustainable development goals. Hamad ensures that Al Khidmat Foundation programs contribute to societal well-being, environmental sustainability and economic empowerment. A mentor to superior graduates, Hamad guides young professionals towards successful career building, sharing his expertise generously. Hamad Akhtar's unwavering commitment, visionary leadership and dedication to service makes him an exemplary candidate for the Service to Society Award, honoring his extraordinary contributions to the society. In recognition of his services, the alma mater is pleased to award Mr. Hamad Akhtar with the Award of Service to Society. You can have your award. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब और हमारी फैकल्टी मेंबर्स और अलुमनाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। ज़िंदगी में बहुत सारी तकरीरें की हैं लेकिन आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, चौधरी साहब के सामने बात करना हमेशा से मुश्किल है और वो खड़े भी हुए हैं इसलिए मुझे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है और इनके बाद ख़ास तौर पर बात करना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। सबसे पहले तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी में एंटर होके हर कदम के ऊपर जो एक खुशी मिलती है वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। और सर ने कहा कि फ़लस्तीन के ऊपर बात की जाए तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बस एक मिनट ले लेता हूँ। इस वक्त अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान फ़लस्तीन के जो लोग हैं उनके लिए एक बड़ी एड जो है वहाँ पर भेज रही है, जो बाय एयर भी जा रही है, बाय सी भी जा रही है। और इसमें हमने क्या किया है कि इजिप्ट के अंदर हमारा एक अपना ऑफिस पूरा सेटअप मौजूद है, यहाँ से सामान प्रोक्योर होता है और फिर बाय एयर 6 चार्टर्ड प्लेन्स हम वहाँ पर भेज चुके हैं। 800 टन सामान उसमें वहाँ पर जा चुका है इजिप्ट के अंदर। फिर जब सामान अनलोड होता है वहाँ से हमारे अपने लोग उसे रिसीव करते हैं और फिर रफा बॉर्डर के थ्रू इसराइल से होते हुए वो सामान जो है वो फ़लस्तीन के अंदर जाता है। अभी कल ही हमारा एक पूरा वेसल जो है वो दूसरा वेसल जो है वो कराची से वो भी रवाना हुआ और कल ही हमने एक MOU साइन किया है जॉर्डन एम्बेसी के साथ कि अब हम इंशाल्लाह जॉर्डन के थ्रू भी सामान जो है वो फ़लस्तीन के अंदर पहुंचाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम की तरफ से जो रिलीफ है वो बहुत ज़्यादा, हमारे दिल जो है वो फ़लस्तीनी अवाम के लिए धड़क रहे हैं और हर मुमकिन रास्ता हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम फ़लस्तीन के लिए जो भी मुमकिन इमदाद है वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि हमने फ़लस्तीन के अंदर इंटरनेशनल फोरम पे 3 हॉस्पिटल्स की कंस्ट्रक्शन कमिट कर ली है, इसके अलावा एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग फ़लस्तीन के अंदर जैसे ही हालात नॉर्मल होंगे तो ये कमिटमेंट हमने इंटरनेशनल फोरम पे कर ली है। अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान इंशाल्लाह 3 लार्ज हॉस्पिटल्स और एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है फ़लस्तीन के अंदर बिल्ड करेगा। और आखिर में आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब ने ज़िंदगी में एक दफ़ा कॉलेज में जब मैं आ रहा था 2006 में तो मेरी टाई ठीक की थी, उस दिन के बाद वो टाई आज तक ख़राब नहीं हुई और हम भी आपसे वादा करते हैं कि इंशाल्लाह जहाँ पर भी रहेंगे सुपीरियर का नाम रोशन करते रहेंगे और आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Well, moving on towards the second category, and the second category is Alumnus of the Year Award, and can we have the nominees, please? We have got Muhammad Bilal Akbar,
The country head sales and marketing Eiffel Industries. Then we have got Umar Aftab Rana, country head sales and marketing high-tech lubricants. And then we have got Mr. Jamshed Ali, Higher Pakistan, Senior Manager Marketing, Higher Pakistan. We have got Mr. Babur Ayaz Malik, Bank of Punjab, Head Commercial Banking. But then we have got Mr. Tahir Saeed Malik, the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Deputy Director, Marketing and Communications. So, and the Alumnus Award goes to, kiske paas jana chahiye ji? Acha ji, that we have got Mr. Umar Aftab Rana Sahab ji. उमर आपने इधर खड़े होना है फॉर द साइटेशन यहां उमर आफ्ताब राणा कंट्री हेड सेल्स एट हाईटेक लुब्रिकेंट्स जिक मोटर ऑयल एमबीए 2002-2004 स्टार्टेड हिज करियर एज एन ऑर्डर बुकर आवर नॉमिनी हैज क्लाइम्ड द रैंक्स टू बिकम द हेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग थ्रू डेडिकेशन हार्ड वर्क एंड द सॉलिड फाउंडेशन लेड एट सुपीरियर यूनिवर्सिटी विद ओवर 20 इयर्स इन सेल ही बूस्ट्स अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ड्राइविंग रेवेन्यू ग्रोथ एंड कंसिस्टेंटली exceeding targets. His passion lies in forging meaningful client relationship, understanding their unique needs and delivering tailored solutions. Renowned for his expertise in consultative selling, strategic account management and new business development, he excels in analyzing market trends and devising winning sales strategies. Known for his strong work ethics, perseverance and adaptability, he thrives under pressure and continually delivers outstanding performance. As an accomplished sales professional and mentor, he embodies the values and spirit of Superior University. His continuous growth, learning, and commitment to excellence makes him a deserving candidate for the Alumnus of the Year Award. The alma mater is pleased to recognize him with the Alumnus of the Year Award. You can receive your award. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा लेकिन जिस तरह हसीब साहब ने कहा चौधरी साहब ने कहा कि दिल की बात होनी चाहिए तो दिल की बात ही मैं करूँगा सिर्फ एक मिनट के अंदर बेसिकली मैंने स्टार्ट सुपीरियर में किया था कलमा चौक ब्रांच से जो फर्स्ट एग्जीक्यूटिव एमबीए का बैच था आई पर्सनली बिलीव कि इंचीज मेक चैम्पियंस लाइक जिस तरह बॉलीवुड की फिल्म में आपने सोचा होगा कि एकेडमिक साइड पे है मैं एकेडमिक्स की बात नहीं कर रहा सुपीरियर के एकेडमिक सुपीरियर हैं तो हम सुपीरियर हैं मैं थोड़ा जरा पर्सनल एस्पेक्ट पे जा रहा हूँ कि ऊपर जाने के लिए आपको एक किक चाहिए होती है मैं एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आया था बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म का बच्चा था जो सेल्स में बहुत मुश्किल था कि शायद चलता सिंगल मदर ने रेस किया तो एक बार अम्मा ने ग्रेजुएशन के बाद कॉल की सुपीरियर के कैंपस में चला गया मैं पहला बच्चा था अपनी क्लास के अंदर कि जब टीचर ने कहा कि इंट्रोडक्शन करवाओ तो मैं लिटरली कांप रहा था बच्चों ने मजाक भी उड़ाया मुझसे बोला नहीं गया फियर बहुत ज्यादा था तो मैं बड़ा डिप्रेशन में बाहर घूम रहा फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हो गया मैं बिल्कुल नहीं बोलता था मेरे कुछ क्लास फेलोज भी जहां बैठे हैं वो इस चीज के एविडेंस हैं तो चौधरी साहब का मुझे पता था कि ये ओनर है यहां के मैं ज्यादा नहीं जानता था और मुझे डर भी बड़ा लगता था एक प्रेजेंटेशन हुई जिसमें मुझे हमारे मार्केटिंग के थे टीचर ताहिर खुर्शीद साहब तो उन्होंने बहुत मुझे मतलब के बुरा भला भी कह रहे थे ये शायद सुन रहे थे वहां पे बाहर खड़े होकर तो मैं बाहर निकला वैसे डिप्रेशन में कहते यार आप बहुत अच्छा किया आपने मैं एकदम हैरान के मैंने कहा सर वो प्रोजेक्ट मजे का तो नहीं था कहते नहीं यार बोल बड़ा अच्छा रहे थे जबकि मुझे पता था सुपीरियर यूनिवर्सिटी में इस वक्त तकरीब का सिलसिला जारी है चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने इस तकरीब से खुसूसी खिताब किया उनका कहना था कि हमारी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को लीड कर रही है और आज लोग फ़ख्र से सुपीरियर का हिस्सा बनना चाहते हैं सुपीरियर कुछ बहुत कुछ कर रही है और बहुत आगे तक जाएगी अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो कामयाब हो तो हमें अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपने बच्चों की तरबियत करना होगी थैंक यू सो मच और आज
मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। जिस तरह उन्होंने कहा था रिलेशंस की, तो मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा था। आसिफ अजीज खान साहब ये वाहिद हैं जो इस पूरी को जोड़ के रखते हैं। आज मेरी बेटी भी हुई है, अभी मिसेज भी हॉस्पिटल में है, बट स्टिल ये मैं सुपीरियर की मोहब्बत भी है कि आज मैं कर रहा हूँ। और सर मेरी पूरी फैमिली, मैं तकरीर सॉरी लंबी हो रही है बट इमोशनल जी, मैं जिस तरह पहले उन्होंने किया है कि जी अकेडमी इस प्रोग्राम ठीक है, ये सारी चीज़ें साइड पे मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, बट ही इज़ द मैन कि वो एक किक बैक पे थी, ये मुझे जानते हैं नहीं जानते, लेकिन मेरी फैमिली पे बहुत बड़ा एहसान चौधरी अब्दुल रहमान का है। दैट्स इट, थैंक यू जी। Well, thank you very much. And Umar, now we are moving on towards the Employer of the Year Award. And can we have the nominees, please? We have Chaudhry Mohammed Umar, Cuteria Aesthetics, HR Manager. Then we have got Rana Amir Hamza Noor, Falcon IT Consulting, Team Lead Software Development. Then we have got Sadia Usman, Shakarganj Foods, Vice President HR. Then we have got Mohammed Faisal Bhatt, Manager HR Hush Puppies. And Mohammed Farooq Saab, our CEO Al Razi International Lab and Research. So, and the award goes to Mr. Faisal Bhatt. तालियां का प्लीज, फैसल इधर आ जाइए यहां पे। अवार्ड दे दे बेटा, अवार्ड दे दे। फैसल भट्ट, एचआर मैनेजर हश पपीज, द ईयर ऑफ 2007, हिज ड्यूअल फोकस ऑन क्वालिटी सर्विस प्रोविजन एंड स्किल डेवलपमेंट सेट्स हिम अपार्ट As an exemplary employer, Faisal's leadership, vision and commitment to excellence makes him a deserving candidate for the Employer of the Year Award. His contribution to the retail sector and his dedication to nurturing the next generation of retail professionals highlight his role as a standout employer. The alma mater is pleased to award him with the Employer of the Year Award. You can receive your award, sir. छोटा सा एक्सपीरियंस प्लीज कर दीजिए। सर मैं छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ, शायद आपको याद हो कि ना याद हो, कुछ साल पहले हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जिसमें सर को हमने इनवाइट किया। वहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैंने सर के साथ पिक्चर ली और सर को अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया। सर ने कहा आपके डायरेक्टर जो हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो आपने मेरी इज्जत रख ले दी है। सर आपको बताना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 to 15 पीपल्स को हमने अपने स्टाफ, अपने यूनिवर्सिटी के मेंबर्स को, सॉरी फेलोज को वहाँ पर जॉब ऑफर की, और 25 to 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वहाँ पर इंटर्नशिप कर चुके हैं। तो सर तो आपको बताना चाहते हैं कि आपकी इंशाल्लाह इज्जत रखी हुई थी, रखी हुई है और आगे भी रखे। थैंक यू। Now is the award for the Women of Substance Award, and can we have the nominees, please? We have got Ms. Amna Shoaib, CEO, co-founder, Copy Pencil. Then we have got Ms. Sidra Anwar, Divensik, HR Head. Then we have got Dr. Amara Hamid, Director, Quality Assurance, Gulab Devi Hospital. We have got Shaila Safwan, Management Excellence Consulting, founder and CEO. And then we have got Mavish Sheikh, Bank of Punjab, Head of Anti-Money Laundering Division. जी, any guesses? आप कह रहे हैं तो वही कर लेते हैं जी। मैविश शेख जी, मैविश रफीक शेख, you can stand here for the citation and then. Mavish Rafiq Sheikh, the head of Anti-Money Laundering Unit and Senior Vice President, Bank of Punjab. Mavish is a distinguished banker and a compliance professional with over 17 years of experience in key areas, international correspondence banking, SBP inspection, and internal external audit review. She has earned the esteemed certificate, Certified Anti-Money Laundering Specialist, certification completed in September 2021, reflecting her dedication to excellence in her field. Currently serving as the Senior Vice President, Ms. Sheikh leads the AML, KYC and
TBML units at the Compliance and the Control Group, CCG, of the Bank of Punjab. Her leadership is marked as an exceptional ability to exercise sound judgment, initiative and problem-solving skills to meet senior management needs effectively. Beyond her professional achievement, Ms. Sheikh is also a passionate mentor for superior graduates, providing invaluable guidance and support to help them build successful careers. Her commitment to nurturing the next generation of professionals underscores her dedication to the growth and development of young talent. Additionally, Ms. Sheikh is recognized as a professional AML-CFT trainer, leveraging her expertise to educate and train others in the field of anti-money laundering and countering the financing of terrorism. With her extensive experience, professional certification, leadership qualities, and commitment to mentoring, Ms. Mavish Rafiq Sheikh stands as the standout figure in the banking and compliance industry. The Alma Mater is proud to decor her with the Women of Substance Award. You can receive your award, ma'am. एक छोटी सी चीज़ सिर्फ ऐड करूँगी. मैंने हेले कॉलेज से स्टार्ट लिया था बी कॉम और एम कॉम में. मैं एम एस करने मेरी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से आई गॉट डिस्टर्ब और फिर मुझे लगा कि मुझे एम एस करना है. आई केम टू सुपीरियर और जब मैं सुपीरियर आ रही थी तो मेरे जहन में कहीं ना कहीं बात थी कि मैंने हेले से पढ़ा तो पता नहीं मैं रिलेट कर पाऊँगी. आई केम विद सम प्रेजुडिसेस पर जब मैं यहाँ आई आई बिकेम पार्ट ऑफ सुपीरियर दैट वे कि अब मैं पिछले दो सालों से विजिटिंग फैकल्टी में पढ़ा भी रही हूँ यहाँ पे. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजिंग. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच मैवेश. नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द फाइनल कैटेगरी एंड द फाइनल कैटेगरी इज एंटरप्रेन्योरियल एक्सीलेंस अवार्ड्स एंड कैन वी हैव द नॉमिनीज प्लीज. द फर्स्ट नॉमिनेशन वी हैव गॉट मोहम्मद तैयब अनवर राव, CEO Combined Marketing, session is 2006-2008. Then we have got Mr. Ahmed Kaleem, Bit Logics, that is founder and CEO 2017 batch. And then Mr. Mia Khurram Hussain, 2002-2004, Stenza designer, he's the CEO. And then we have got Mr. Azim Gurki, 2003-2007, organization is Azim Traders and to Hassan Enterprise, he is the CEO. And then we have got Khaja Umar, 2003-2005, Mutabbir Pharma, he is the CEO. So now, any guesses, Ji? देखिए जी नाम जो है वो है जी मोहम्मद अजीम गुरकी. यू कैन स्टैंड हियर. मोहम्मद अजीम गुरकी बीबीए 2003-2007 कंपनी एनुअल टर्नओवर 600 मिलियन प्लस. मिस्टर गुरकी हैज कार्व्ड रिमार्केबल पाथ इन द बिजनेस वर्ल्ड एज अ सीईओ ऑफ टू थ्राइविंग कंपनीज अजीम ट्रेडर्स एंड हसन एंटरप्राइजेस कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट ऑटोमोटिव सेक्टर. Under his leadership, Azim Traders has emerged as one of the premier construction and housing societies development companies. Their portfolio boasts a diverse range of successfully delivered projects that stand as a testament to their commitment to excellence and quality. Not stopping at construction, Azim Traders also ventured into the automotive industry, importing cars from various countries and establishing a strong presence in Birmingham, UK, with their sales operations. Furthermore, Mr. Gurki's entrepreneurial acumen has led Azim Traders to secure authorized dealership with two of Pakistan's finest cement companies, further diversifying their businesses and contributing to the infrastructure development sector. Mr. Gurki's journey from a superior graduate to a successful CEO is an inspiration to all of us. His relentless pursuit to excellence, innovative approach to business, and dedication to community development makes him a true role model for the aspiring entrepreneurs. Please join us in congratulating Mr. Mohammed Azim Gurke for his outstanding achievement and for being a shining example of entrepreneurial excellence. You can receive your award. Thank you.
सर आपके होते हुए तो कुछ कहने का मौका ही नहीं है। तो ऐसा है कि ये जो कुछ भी आज मैं हूँ सर, ये आपकी वजह से है, क्योंकि सारी की सारी कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन ये आपकी वजह से ही है। आपको पता है हमारा बैच सबसे पहले 2001 में इंटर यहाँ से की है, 3 to 7 लोधी भाई को तो पता है, और 3 to 7 सबसे पहला BBA का बैच हमारा ही था। तो सबसे पहले अटेंडेंस, फिर ड्रेस कोड जी सर। तो ये है कि आज सब कुछ सर, उस टाइम तो अभी NOC भी नहीं था मिला, और उस टाइम ये नहीं था पता कि डिग्री के बाद हम क्या करेंगे, आया कि नेक्स्ट जो है हमें कहीं जॉब मिलती है कि नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब सर हमने क्लियर की है तो उसके बाद तो इतनी अपॉर्चुनिटीज थी कि हमने फिर, मैंने ये कोशिश की है जॉब की बजाय बिजनेस में आना बेहतर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कुछ भी है सर, ये सारी मोटिवेशन आपकी ही है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच अजीम गुरकी, और आपको पढ़ाने से लेकर अब तक का जो सफर है ये बहुत अच्छा लगा, और आगे वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ यू। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द अवार्ड होल्डर्स टू प्लीज कम एंड हैव अ पिक्चर, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द डीन्स एंड द HODs प्लीज, आप प्लीज अकंपनी कर दीजिए प्लीज। ऑनरेबल आइए सर, नबील बाबर साहब, नबील साहब, अरफान जाफर साहब, सर प्लीज, निजाम साहब, अशाम भाई सर प्लीज, और अवार्ड विनर सारे जी प्लीज एक्ट आज ही। उसके बाद जो अगली क्लिक है वो नॉमिनीज की है, प्लीज नॉमिनीज, उसके बाद फिर ऑल द नॉमिनीज वुड आल्सो बी हियर। जी नॉमिनीज नीचे आ जाइए जी, नॉमिनीज अभी भी अभी बुला, नॉमिनीज को ही बुला लेते जी, नॉमिनीज भी प्लीज आ जाइए साहब, ये नीचे वाली लाइन नॉमिनीज की हो जाएगी। अवार्ड होल्डर्स ऊपर आएंगे जी, नॉमिनीज जो है वो नीचे नीचे वाली लाइन पे आ जाएंगे। सर आप ऊपर आ जाइए, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ऊपर आ जाइए आप। जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हैं प्लीज स्माइल जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट आपका अलुमनी रियूनियन होगा उसमें यही तस्वीर दोबारा लगनी है। सो प्लीज कोशिश करें कि आपकी स्माइलिंग पिक्चर आ जाए, प्लीज स्माइल लेडीज एंड जेंटलमैन।